बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने हॉस्पिटल संचालक से 5 लाख रंगदारी की मांग की है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। बता दें कि पिछले दिनों बदमाशों के द्वारा फोन पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव राय से रंगदारी की मांग की। रंगदारी मांगने के बाद डॉक्टर ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन बदमाशों ने फिर दोबारा से रंगदारी की मांग कर दी। वही मोबाइल रिकॉर्डिंग का ऑडियो भी सामने आया है। हेलो हेलो जी की हेलो भूल गए हो की बोलो ना कुछ कह लिया है रे के बोले छो हां के बोले छो कह लिया और नहीं तेरा 5 लाख दे भूल गई की दो दिन हम हां तो के बोले छो एना किया मने कर छो हमरा पास पैसा रहते तब न देबे लक तो देबे तो हां कहे नहीं देबे तो नहीं कहे एक शब्द में जवाब दे तो हम जे कहे छिए ने पैसा रहते तब न देबे हमरो मैले नया हॉस्पिटल खोल लिए हैं नैना करबो तो काम चलते की कहे छै ना हमरा पास पैसो नहीं छै ओकर बाद जे छै नया हॉस्पिटल रेंट पर रहे छिए तो नहीं डाले तोर मतलब ठीक है अभी कहां से हम के पेबे मान के चलो ये चीज पॉसिबल छै अभी तो एक दो दिन में दे दही नहीं देबी तो कह दे ना अब तो जाने होबो अगर चिन्ह होबो तो जाने होबो कि रेंट पर हॉस्पिटल चलवे छे हॉस्पिटल में तो सब बात जान डालिए तो कितने घूमली सब बात जान डालिए तूने कत्ते की घूमबे मैं लग के जे हमरा जानकारी होले कि जे हॉस्पिटल हम कहां से पैसा पूरा कर पेबे एना करबो तो केना मने हमे हॉस्पिटल चलेबे ठीक छे ठीक हां वहीं डॉक्टर से रंगदारी की मांग को लेकर आईएमए ने बैठक कर घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। इसके बाद चिकित्सकों के एक दल ने एसपी आवास पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और 24 घंटे में बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हड़ताल करने की धमकी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार घटना हो रही है, लेकिन पुलिस कोई भी गंभीर पहल नहीं करती, जिस कारण कुछ न कुछ उत्पात होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि डीएसपी द्वारा मामले का अनुसंधान और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। 21 जुलाई की शाम में हमारे मित्र कलीग डॉक्टर राजीव कुमार राय जो आईएमए के सदस्य हैं और सुभाष चौक पर मायरा मिडलैंड हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको एक कॉल आया, धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कि 5 लाख रुपये का डिमांड किया गया है, नहीं 5 दिन के अंदर नहीं जमा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी सिलसिले में राजीव जी ने थाना में FIR किया है, लेकिन आज सुबह 25 जुलाई को 9 बजे फिर से उसी नंबर से कॉल आया है कि अगर नहीं जमा करोगे 5 लाख रुपया तो हम जान से मार देंगे। इसी सिलसिले में सारे डॉक्टर्स बहुत ही गुस्से में हैं, क्रोध में हैं। हमारी मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई आईएमए की, और उसमें फैसला लिया गया है कि हम लोग एसपी साहब को एक मेमोरेंडम देंगे इस सिलसिले में। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, उक्त जो अपराधी उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास शुरू नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 21 तारीख को हमें कॉल आया नॉन नंबर से। कॉल आने के बाद जो है सो हमें बोला गया कि तुम्हें 5 लाख रुपया देना है और 5 दिन के अंदर देना है, अगर 5 दिन के अंदर नहीं देते हो तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, और जान से मारने की धमकी देते हुए अपना स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल का। स्विच ऑफ करने के बाद हम अपने घर में परिवार में हरकंप मच गई जब बताए तो। उसके बाद जो है सो 22 तारीख को हमने अपने में घर में बातें हुई और इसकी सूचना जो है सो टाउन थाना नगर थाना को दिया गया, DIG ऑफिस दिया गया और SP सर को भी लेटर जो है सो दिया गया। वहीं दोबारा रंगदारी मांगने की सूचना से पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस पदाधिकारी इस संबंध में सिर्फ जांच चल रहे होने के अलावा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि बेगूसराय में हाल के दिनों में बदमाश लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में रंगदारी की मांग ने डॉक्टरों में दहशत पैदा कर दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।